हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ tradingview.com के चार्ट वेबसाइट को कैसे यूज करें। ये एक फ्री चार्टिंग टूल वेबसाइट है जिसमें हम सारे ही चार्ट्स देख सकते हैं और इसमें हम अपने मूविंग एवरेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज, RSI। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो फ्री वर्जन है उस फ्री वर्जन में हमें जरूरत की सारी ही चीजें यूज हो जाती हैं जो हमें इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए। और ट्रेडिंग में भी जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं और सिंपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनको हम देख पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज लेकर मैं आता रहूंगा जो हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को पॉलिश करें। तो हमें इसमें आगे बढ़ते हुए tradingview.com को ओपन कर लेना है। तो ये फ्रंट पेज ओपन होकर आएगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे हमने यहाँ साइन इन करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर जाने की जरूरत नहीं है, साइन इन करना है। साइन इन पर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर साइन इन करने के सारे अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो गूगल अकाउंट सभी का होता है, जीमेल अकाउंट, तो जीमेल पर अगर हम गूगल अकाउंट से साइन इन करते हैं तो आगे किस अकाउंट से साइन इन करना है उसके लिए पूछ लेगा। जो भी आपको आपकी जीमेल आईडी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका पेज दिखा देगा। अब यहाँ पेज दिखाने के बाद में हम चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर जाकर जो फर्स्ट है उसको क्लिक कर लेंगे और ये इस तरह का चार्ट हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने एप्पल इंक का दे दिया यहाँ पर चार्ट पैटर्न, जो कि यूएस की एक कंपनी है, सबको पता है एप्पल के आईफोन्स आते हैं। तो इसमें हम यहाँ से किसी भी कंपनी के चार्ट को देख सकते हैं। इवन अगर हम निफ्टी टाइप करेंगे तो निफ्टी 50 हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर NSE और इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तो हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, जिससे थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल हो जाए, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट दिखाता रहेगा तो इसको हमें क्रॉस कर देना है क्योंकि ये फ्री वर्जन है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद में हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे और ट्रेडिंग में जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस अगर टिक किए हुए हैं तो उनको हम अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो बाय एंड सेल का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ UTC है, टाइम जोन, तो इस टाइम जोन को हम 5:30+ चूज कर लेंगे जो कि हमारा अपना टाइम जोन है कोलकाता, UTC+5:30, तो हमारा इंडियन टाइम ये सेट हो जाता है। अभी 3:21 हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये यहाँ पर इसने कैप्चर कर लिया है। यहाँ जो ऑटो लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, इस लॉग पे हम प्रेस कर लेंगे तो ये चार्ट पैटर्न और ठीक हो जाता है। जो इसके पीछे की बैकग्राउंड है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, मुझे ये पर्सनली ये लाइंस पसंद नहीं है तो मैं सेटिंग्स पर जाऊंगा और अपीयरेंस पर जाकर यहाँ पर वर्टिकल ग्रीन लाइंस में जो कलर है इसको वाइट सेलेक्ट कर लूंगा और फिर जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस कलर है उसको भी मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों सेलेक्ट करके मैं ओके करूंगा तो पीछे की बैकग्राउंड एकदम ब्लैंक हो जाती है और ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, एकदम वाइट हो जाती है ये। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसको सेव हमने कर लिया तो ये अब जो भी सेटिंग्स हैं, अब आप जब भी इसके ऊपर लॉगिन करोगे तो अपनी सारी सेटिंग्स हमें सेम ही मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर TCS का चार्ट खोलते हैं तो आपको चार्ट खोलने के लिए कोई भी नया चार्ट ओपन करना है आपको यहां जाकर क्लिक करके तब ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कर्सर रखोगे, आप सिर्फ TCS लिखोगे, सीधा ये यहां पर पहुंच जाएगा और सिलेक्ट करोगे तो TCS का चार्ट हमारा ओपन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम समटाइम्स लग सकता है। तो TCS का चार्ट ओपन हो गया। नीचे यहाँ पर वॉल्यूम आ जाती है, वॉल्यूम का ऑप्शन यहाँ पर है। वॉल्यूम के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जो इसके कलर्स हैं इनको थोड़ा सा फेड कर देता हूँ। फेड करने से क्या होता है कि जो ऊपर प्राइस वाली बार है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। रेड कलर की इसको भी थोड़ा सा फेड कर लेते हैं और फेड करके इसको ओके कर लेते हैं। तो अब जैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ पर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम बार नीचे है, तो अभी भी हमें पता चल रहा है कि प्राइस कहाँ तक आया है क्योंकि हमने नीचे की वॉल्यूम बार के कलर को फेड कर दिया है। नीचे जो ये इंडिकेटर्स हैं, कब इसने डिविडेंड दिया, कब अर्निंग्स की डेट है, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आती तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ और जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स को, जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम अनटिक कर लेते हैं। मैं अनटिक करके रखता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ से ये सब गायब हो गए। आपको दोबारा से चाहिए तो आप सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग्स में इवेंट्स में जाके आप इनको फिर से टिक कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपको दिखा देंगे कब इसने कितना कितना डिविडेंड दिया है और इसकी अर्निंग्स मीन्स क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज को कैसे लगाया जाए। मूविंग एवरेज को लगाने के लिए यहाँ पर ये FX की है, FX पर अगर हम यहां पर प्रेस करते हैं, ये इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज के लिए यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर सर्च करते हैं मूविंग एवरेज,
तो मूविंग जैसे हम क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, मूविंग एवरेज यहां पर आ जाता है। इसको टाइप करके हम यहां से बाहर निकलते हैं तो ये मूविंग एवरेज 9 डेज का इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। इसकी सेटिंग्स में हम यहां पर जाते हैं और सेटिंग्स में जाकर इनपुट में यहां जाते हैं तो यहां पर लेंथ को 9 के बदले अगर हम 200 कर लेते हैं तो ये 200 डेज का हमारा मूविंग एवरेज आ जाता है। इसी तरीके से हम और भी मूविंग एवरेज इसमें लगा सकते हैं। सपोज हमें दूसरा मूविंग एवरेज लगाना है, वो 50 डेज का लगाना है, तो मूविंग एवरेज मूविंग पर गए, मूविंग एवरेज में हम यहां पर गए और फिर इसको 9 डेज का बाय डिफॉल्ट ले लेता है। इसको हमने सेटिंग्स पर गए और यहां पर इसको हमने 50 डेज कर लिया तो 50 डेज का हमारा ये मूविंग एवरेज लग गया। तो यहां पर ये कलर्स भी दिखा देता है कि मूविंग एवरेज 50 का कलर क्या है जो ऑरेंज है और मूविंग एवरेज 200 का कलर हमारा यहां पर ब्लू है। तो ब्लू लाइन हमारी 200 डे मूविंग एवरेज की हो गई और जो ऑरेंज कलर है वो हमारा 50 डेज का हो गया। हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हम वापस से सेटिंग्स में गए, स्टाइल में गए और 200 डे मूविंग एवरेज में मुझे यूजुअली मैं हमेशा अपने सारे चार्टिंग पैटर्न्स में ब्लैक कलर को यूज करता हूं तो ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और 50 डे में हमेशा मैं रेड को यूज करता हूं तो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। एक यूनिक कलर आप अपने हिसाब से लेकर चलोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो ये बड़ा थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस चीज को देखना। अब थर्ड, जैसे मैं बात करता हूं हमेशा RSI की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर उसको कहते हैं, इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके ये हमारा नीचे यहाँ पर लग जाएगा। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे तो ये सेटिंग्स अब हमारी सेव हो गई। अब हमें कोई भी चार्ट इसमें अगर देखना है तो सीधा सीधा ऐसे ही दिख जाएगा। सपोज हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर देखना है तो कहीं नहीं जाना आपको, कहीं भी आपको क्लिक करना है और क्लिक करके हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप टाइप करोगे तो हमारा ये आ जाता है ऑटोमेटिकली और हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट सेम सेटिंग्स के साथ यहाँ पर प्लॉट हो जाता है। तो बहुत ही इजी सा है इन सब चीजों को करना। अब अगर हमें इसमें एक और इंडिकेटर यूज करना है, सपोज 20 डेज का मूविंग एवरेज हमें डालना है, मूविंग एवरेज हमने यहां पर डाला तो ये इसने यहां पर मना कर दिया कि हम 3 से ज्यादा इंडिकेटर यहां पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2 तो हमने मूविंग एवरेज लगा दिए और नीचे हमने एक RSI लगा दिया तो तीसरा इसने लगाने को मना कर दिया। तो अगर 20 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें लगाना है तो हम क्या करें? तो इसका एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, हम इन दोनों मूविंग एवरेज को यहां से हटा देते हैं और वापस से हम यहां पर मूविंग एवरेज टाइप करके सर्च करते हैं। तो मूविंग एवरेज का ये जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पर, हम इसको सिलेक्ट नहीं करते और नीचे चलते हैं और नीचे चलते हुए हमें यहां पर एक और ऑप्शन नजर आता है, दिस ऑप्शन सिंपल मूविंग एवरेज 50, 100 एंड 200। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से बाहर आएंगे तो ये 3 मूविंग एवरेज लगा देगा। अब इन तीनों मूविंग एवरेज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा ठीक करना है। हम सेटिंग्स में गए, फर्स्ट मूविंग एवरेज हम इनपुट में गए, फर्स्ट मूविंग एवरेज को हमने यहां पर 20 डेज का कर दिया। यहां पर नाम लिखा हुआ है SMA 50, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ नेम है। 20 अगर हम यहां पर टाइप करेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज लगेगा। 100 को हमें 50 कर दिया और यहां पर 200 को हमने 200 रहने दिया। और स्टाइल में अब हम गए, स्टाइल में जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको हम ग्रीन कलर का करते हैं, इसको हम डार्क कर लेते हैं और जो यहां पर लाइन सबसे थिक है उसको सबसे हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थिन कर लेते हैं। और फिर हम दूसरे वाले मूविंग एवरेज में जाते हैं जो कि रेड कलर का कर लिया, इसको हमने डार्क कलर कर लिया और यहाँ पर इसको भी हमने लाइन को पतला कर लिया। और ये ब्लैक 200 डे मूविंग एवरेज, इसको हमने यहाँ पर कलर कर लिया, डार्क और लाइन को हमने थिन कर लिया और इसको ओके कर लिया। यहाँ पर जो 50 डे दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में 20 है क्योंकि हमने यहाँ इसको 20 कर लिया है। यहाँ जो 100 दिखा रहा है ये एक्चुअल में 50 है क्योंकि हमने 50 कर लिया और 200 तो 200 है ही। तो अभी हमारे 50 और 200 डे मूविंग एवरेज हो गए, जो कि यहां लिखे हुए भी आ गए, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। अब हमारी ये तीनों लाइनें आ गई। तो इससे क्या होता है कि अब हमारे पास, क्योंकि तीन ही इंडिकेटर लगा सकते थे तो हमारा जो मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर है इसको एक ही इंडिकेटर इसने ट्रेडिंग व्यू ने मान लिया और हमारा नीचे RSI भी लग गया और ऊपर हमारा मूविंग एवरेज भी लग गया। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस है और RSI हमारा नीचे की तरफ पहुंच गया है 30 पर तो हमें बाय कर लेना चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम सिंपल सी चीज देखें कि यहां पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस है और RSI भी हमारा 30 के नीचे आ गया है जो कि 28 है, यहां पर RSI लेवल नजर आ जाता है लिखा हुआ। तो जैसे ही हम कर्सर यहां लेकर आएंगे, यहां पर देखेंगे तो उसका नंबर नजर आ जाएगा। हमने यहां पर
देखा तो 28.11 नजर आ रहा है इस डेट को। अगर हम यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस को मीट करते हुए ग्रेट कंपनीज को परचेज करें तो देखो यहां अगर हमने परचेज किया होता है 1839 पर तो उसके इमीडिएट बाद एकदम से रैली आई है। देखो रैली आना जरूरी नहीं है कि उसके बाद रैली आए, लेकिन एक चीज जरूर पक्का हो जाता है कि हम अच्छी कंपनीज को एक सस्ते प्राइस पर खरीदने का ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो अगर हम किसी अच्छी कंपनी को सस्ता खरीदते हैं ना तो उसमें रिस्क हमारा नीचे जाने का और कम हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसे ही नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड बिजनेस कहते हैं। तो यहां पर पर्पस इस tradingview.com के पूरे ट्यूटोरियल को सिंपल तरीके से समझाना था। यहां पर एक और चीज है कि यहां पर डी लिखा हुआ है वन डे में चार्ट नेम के सामने, तो अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है तो हम 5 मिनट्स का चार्ट भी देख सकते हैं। तो ये वन कैंडल 5 मिनट्स की हो जाती है। वैसे जब भी मैं देखता हूं, मैं डेली चार्ट्स ही देखता हूं, तो वन डे कैंडल को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सपोज मैंने वीक का सिलेक्ट किया तो एक कैंडल हमारे एक वीक की हो गई, तो यहां पर पूरे चार्ट को देखना थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि नीचे यहां पर जैसे नंबर ऑफ ये डेट्स हैं तो हम 2011 तक का चार्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन आप इसको डेली ही रखो तो हमेशा बेटर है, क्योंकि सारी कंडीशंस जो हमने लगाई हैं मूविंग एवरेज की और आरएसआई की, वो डेली पर ही सबसे अच्छी होती हैं। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम लेटेस्ट में भी देखें तो 22 सितंबर को ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी था और आरएसआई भी हमारा 29.64 था। तो यहाँ पर ये अच्छी बाइंग है सिंपल तरीके से। अब वापस से यहाँ से 10-15% ऊपर जाता है, 2300 के आसपास जाता है, तो वहां निकल सकते हैं। तो सिंपल तरीके से काम करके हम 10-12% पैसा एवरी 3 मंथ्स बना सकते हैं, और अगर ये चीजें लगातार चलती रहती हैं ग्रेट कंपनीज में तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। माई नेम इज विवेक सिंघल, आई एम फ्रॉम tradingwithvivek.com। इस तरह की वीडियोज लेकर मैं आता रहूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, लिंक्डइन भी है, और अब मेरी ईमेल आईडी भी है, और नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं कोशिश करता हूं सारी क्वेरीज को मैं आपके रिप्लाई करूं और जितने भी कंफ्यूजन हैं उनको दूर कर सकें। लाइक जरूर कर लेना वीडियो को और शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब करना तो है ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए जिससे आपको इंटीमेशन भी मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।